भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक जो है वो पॉपुलर लीडर हैं। भारत आज नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ये सदी भारत की सदी है। हिमाचल प्रदेश में 2017 में एक नए इतिहास को लिखा गया था। नई परंपराएं राजनीति में डाली गई थी। टोपियों की राजनीति, ऊपर नीचे की राजनीति जो है वो उसको समाप्त करके, बदला बदली की राजनीति को तिलांजलि दे करके केवल मात्र विकास की राजनीति जो है वो प्रारंभ हुई थी। और वो विकास पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी के नेतृत्व में ऊंचाइयों पर पहुंची है। और हिमाचल प्रदेश में जो एक रिवायत बनी हुई थी कि हर 5 साल बाद यहां पर नई पार्टी जो है वो सरकार बनाती है, वो रिवाज इस बार बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश को डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का विकास नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बिना जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं हो सकता। जब केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तभी हिमाचल प्रदेश जो है वो विकसित बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सुमटी विधानसभा क्षेत्र से मुझे नामांकित किया है। उस क्षेत्र को जब डिलिमिटेशन से पहले बड़ा क्षेत्र था, तो हमारे पूर्व में मंत्री रहे, 3 बार के विधायक रहे आदरणीय रूपदास कश्यप जी ने जो है उसका प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वो पिछले 20 वर्षों से वहां पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं चुना जा सका। और आज जो है वो सुमटी विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से जो है वो काफी पीछे है। हालांकि जो उसका शहरी क्षेत्र है उसमें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अनेकों नए कार्य किए गए हैं, लेकिन दूर दूर के गांव के क्षेत्र में जो सड़कें माननीय रूपदास कश्यप जी के समय बनी थी, उसमें बहुत सारे स्थानों पर जो है वो 1 इंच भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारी जो पिछली प्रत्याशी थी विजय ज्योति सेन जी, हमारी सूक्ष्म बोर्ड गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्षा हैं श्रीमती रूपा शर्मा जी, और हमारे पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय रूपदास कश्यप जी, अंजना शर्मा जी जो हमारी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अब ये जिला की महामंत्री थी, इन सब के प्रयास से हमारे मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र बोटका जी, केशव चौहान जी, सब लोग ये वहां पर कार्य करते हुए उन्होंने वहां पर बलदेया में सब तहसील बनवाई, कोटी में सब तहसील बनवाई, जुनगा में तहसील बनवाई, अनेकों वहां पर नए PHC खोले गए और आयुर्वेदिक सेंटर्स खोले गए, और पानी की दृष्टि से जल जीवन मिशन के अंतर्गत और सिंचाई की दृष्टि से अनेकों नए जो है वो कार्य जो है वहां पर किए हैं। तो जो ये कार्य हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किए हैं, उनके आधार पर हम सुमटी क्षेत्र में जो है वो विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो निवेदन करेंगे। और ये सभी सम्माननीय नेता, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य हैं ये, और पूरे का पूरा जो है वो सुमटी मंडल, सुमटी के आम कार्यकर्ता, सुमटी के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है विजयी बनाने के लिए जो है वो मन बना चुके हैं। निश्चित रूप से जो है वो इस बार सुमटी में भी जो पिछले 10 साल से जो है वो एक चला आ रहा दौर था, वो दौर बदलेगा। सर, आपके समर्थक खासे नाराज हैं, ये कह रहे हैं कि जो है षड्यंत्र किया गया आपके खिलाफ। आप ये पिछली बातें हैं, इसके ऊपर नहीं, आप नए
दौर की बात है क्योंकि मैंने नया नामांकन पत्र जो है वो मैं भर चुका हूँ। परंपरागत सीट से अलग जाकर कितना चैलेंजिंग रहने वाला है? देखिए चैलेंज तो रहता ही है, नया क्षेत्र है, हालांकि नया नहीं है। मैं जब शिमला का चुनाव लड़ा था तो मैं कसुमटी में ही रहता था क्योंकि कसुमटी का जो क्षेत्र है वो शिमला के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है और माननीय रूपदास कश्यप जी के साथ, विजय ज्योति सैन जी के साथ और रूपा शर्मा जी के साथ सघन जो है वो तालमेल के साथ हम दोनों क्षेत्रों में जो है वो काम किया करते थे। ये ठीक है कि भी प्रत्याशी के रूप में जो है मेरे लिए नया क्षेत्र है ये प्रत्याशी जो है वो, लेकिन पार्टी का निर्णय है और इतनी बड़ी पार्टी कुछ सोच विचार करके जो है उन्होंने तय किया होगा, तो इसलिए जो है पार्टी है। आरएसएस का स्वयंसेवक रहा, एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा, इमरजेंसी में जेल गया, या मेरा टिकट जो है वो एमएलए बनने के बाद भी 1998 में भी कटा था तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। पार्टी ने जो सूखा है उसको जो है वो हम तरोताजा जो है वो करेंगे और नए विधानसभा में आप कसुमटी क्षेत्र से नया विधायक देखेंगे जो कभी ये नहीं कहेगा कि यहां पर मेरी किसी दूसरी सरकार ने काम नहीं किया या मेरे अपने मुख्यमंत्री के साथ नहीं बनती थी इसलिए काम नहीं हुआ। मैं सुमटी की जनता जो है वो मुझे जनादेश देगी, तब भी नहीं देगी तब भी सुमटी के विकास के प्रति समर्पित रहूंगा और सुमटी का विकास भी उसी तर्ज पर जो है वो ऐतिहासिक बनाऊंगा जिस प्रकार से जो है शिमला का जो है वो हमने विकास करके दिखाया। आपके प्रतिद्वंदी ने कहा, जो समर्थक आपके नाराज हैं उनके लिए आप कहेंगे, आपको नहीं लगता कि पार्टी में बगावत होगी? देखिए पार्टी ये सब समर्पित कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से जो है सबको तकलीफ होती है। पिछली बार हमारी जो है प्रत्याशी विजय ज्योति सैन जी थी तो इनके इन्होंने 5 वर्ष वहां काम किया है ना, इनको भी तो अफसोस होगा, इनको भी दुख होगा। जहां पर मैंने लगातार 3 चुनाव तो कंजेक्टिवली जो जीते हैं, चाहे हमारी सरकार नहीं बनी, कांग्रेस के राज में रहते हुए मैं वहां पर विजयी होता रहा हूं, तो इसलिए जो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग जो है जुड़े हुए होते हैं, इसलिए जो है वो कुछ अंशों में जो है वो दुख होता है। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी ने कहा कि सामने चाहे मंत्री हो या संतरी, जीतेंगे तो हम ही। देखिए संतरी रखने का काम राजाओं महाराजाओं का होता है, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, मैं कभी संतरी नहीं रखा करता। मंत्री भगवान ने जो है वो बनाया है, उसके लिए मैं ईश्वर की कृपा मानता हूं। लेकिन ये भी निश्चित रूप से कहता हूं कि इस बार जो है पहले शिमला से जो है चुनाव जीत करके मंत्री बना था तो अगली बार सुमटी से जीत करके भी मंत्री ही बनूंगा।